रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने। चलिए, तो पिछली क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था पूर्णांकों का भाग। ठीक है, अच्छा, पूर्णांकों का भाग में हमने ये सीखा था कि जब भी दो माइनस की संख्याएं होती हैं उनको भाग करते हैं तो क्या आएगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे, दोनों ही माइनस की संख्याएं हैं, दोनों को भाग करो क्या आएगा उत्तर। चैट सेक्शन में करेंगे, क्या आएगा इसका उत्तर। गुड। माइनस का तीन, माइनस का दो लिखा है एक बच्चे ने। बेटा माइनस का थोड़ी ना आता है, याद करो जब दोनों संख्याएं हमारी माइनस की होती हैं तो उत्तर तो हमेशा प्लस का आता है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है तो उत्तर तो प्लस का ही आना चाहिए। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो क्या उत्तर आएगा। माइनस के छह को प्लस के तीन से डिवाइड करना है। माइनस के छह को प्लस के तीन से कितना आएगा इस बार। गुड। मैम समझाइए क्वेश्चन। हाँ समझाओ। माइनस और प्लस गुणा हो के माइनस होती है। बोला आपने सही, पर आप यहाँ पे बोलोगे माइनस और प्लस को जब भाग करते हैं तो माइनस आता है, गुणा नहीं भाग बोलना है। और तीन दुनी छह और माइनस माइनस का छह दो आएगा। हाँ वेरी गुड। तो आपको पता है जब एक संख्या माइनस की हो, एक संख्या प्लस की, उत्तर तो माइनस ही आना है। वेरी सिंपल। तीसरा, अब मैं ना ऊपर प्लस ले रही हूँ, नीचे माइनस ले रही हूँ, अब क्या आएगा। ऊपर प्लस नीचे माइनस, अब क्या आएगा। माइनस का दो ही आएगा क्योंकि निशान से हमें कुछ मतलब नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, अभी भी माइनस का ही दो आएगा क्योंकि एक ही संख्या माइनस की है ना बेबी, तो ऊपर हो नीचे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या तो एक ही है माइनस की। यस गुड। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया ये। यस मैम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, सभी बच्चे उसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, आप मुझे जरा बता सकते हैं कि 720 सेकंड में कितने घंटे, कितने मिनट होते हैं। 720 सेकंड में कितने मिनट होंगे, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं। आराम से करो, एक मिनट में 12 मिनट आएगा। देखते हैं बाकी बच्चे भी करेंगे तब हम सबका आंसर देखते हैं। सब मैम इसमें है ना 60 को 720 से भाग करना है अच्छा, और इसमें फिर 12 सेकंड आएगी। 12 आएगा। हाँ चलो देखते हैं, बाकी बच्चे भी करेंगे। सॉरी 12 ही बोल रहे हो सभी बच्चे, 12 मिनट। अब चलो देखते हैं, आपको ये पता है कि भाई एक मिनट में ना 60 सेकंड होते हैं, या मैं बोल सकती हूँ 60 सेकंड में एक मिनट होता है, एक ही बात है। तो 720 सेकंड में कितने मिनट होंगे, अगर आप 720 को 60 से डिवाइड कर दो तो आप क्या आ जाएंगे मिनट। 6 एकम 6, 6 सत्ते 72, सॉरी 720 लिखा है ना मैंने, 6 से कर दो विभाजित, 6 एकम 6, 6 दुनी 12। यस 12 मिनट आएंगे। मैम हमारा सही है। यस एकदम करेक्ट है, क्लियर। जिस भी बच्चे ने 12 मिनट लिखा है ना, वैसे काफी 12 ही लिखा है,
तो सभी का ठीक है, क्लियर हो गया? कर लेंगे इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि तो अगला क्वेश्चन अब पोल में आएगा आपका, क्लियर है बेटा? या कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आओ तो पूछ लो। यस मैम, क्लियर है, अगला क्वेश्चन समझाओ। चलिए मैं पोल में दे देती हूँ क्वेश्चन एक। सेम इसी तरीके का प्रश्न है, आपसे पूछा है 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, पोल में करेंगे सभी बच्चे आंसर। आराम से करो, गलत नहीं होना चाहिए देखो, कोई मतलब कोई जल्दीबाजी नहीं है, जल्दी में मत करो, कॉपी पेन लेके बैठो, कॉपी पेन लेके सॉल्व करो और उसके बाद ही आंसर करिए। कोई गुड, बहुत सही जा रहा है अभी, हाँ बढ़िया। सभी बच्चे करेंगे पोल में आंसर, जो पोल में जिनके पास ऑप्शन आता है। ठीक, समझ में नहीं आई, दोबारा समझा। क्या बेटा? मैम हमने अभी ज्वाइन किया है, समझ में नहीं आया, समझा दो एक बार। अच्छा, आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। इतना पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? बस मैम यस मैम, ठीक है, तो बस 360 मिनट, 360 सेकंड में तो निकाल ही सकते हो कितने मिनट होंगे, सिंपल सा। मिस का क्यों लग आंसर रहा है? पता है और मैंने पोल में भी कर दिया। हाँ अच्छी बात है, इसलिए बेटा क्लास में टाइम पे आया करो, क्योंकि तो इससे पहले मैंने इसी तरीके का एक क्वेश्चन करवाया है आपको। करिए बिल्कुल आराम से करो, अभी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया है। मैम हमने भी एक्टिविटीज में कर दिया। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ भी गए हैं मेरे पास। पर अभी भी आधे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। मैम आप समझाइए क्वेश्चन। नहीं अभी रुक जाओ बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, यस गुड बेटा करिए, अभी काफी बच्चे रह गए जिन्होंने पोल में नहीं किया। आप पोल में करोगे तभी मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगी, ठीक है? तो अभी तो आधी ही बच्चों का आया आंसर पोल में, अभी तो काफी बच्चे रह गए हैं। करिए, इजी क्वेश्चन है, जो आपको आंसर लग रहा है वो करिए। करवा दो अगला। बेटा रुक जाओ, बस लास्ट है बेटा, होता ही है ना कि कुछ बच्चे थोड़ा लेट आंसर करते हैं, कुछ जल्दी करते हैं, तो
हमें सभी के साथ के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। हाँ पिछली क्लास में कितने बच्चों ने आंसर किया था पता है पोल में? पूरे 26 बच्चों ने, 27 बच्चों ने, और अभी तो सिर्फ 18 ही बच्चों ने आंसर किया है। सरला देवी, सोलिम, विजय सिंह, रिया, सुरजीत, सोनू कुमार, ममता यादव, समीर, आर्यन सिंह, प्रीतम सिंह, मनोज, प्रियांशु, शुभम, तनिष, जतिन, सेजल, बाबूलाल, अनित कुमार, रेनू, रेनू यादव, विजय सिंह, सतीश, योगेश, साहिल, अमित, रमन और कमल यादव के नाम से जो भी बच्चे ही हमेशा आंसर करते हैं। तो बेटा अभी सभी का आना चाहिए, ठीक है? 18 ही बच्चों का आंसर आया हुआ है। ठीक हमारे भी टेट सेक्शन का निशान नहीं है मैम, हमारा भी टेट सेक्शन का निशान नहीं है। हाँ हाँ बस रुक जाओ, बस आखिरी के 5 सेकंड, सॉरी ठीक है। 5 सेकंड का समय और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट में करो। बेटा मैं बार बार यही कह रही हूँ, पोल में आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास पोल का ऑप्शन आ रहा है पोल में ही आंसर करिए। हमें कर दिया मैम, अच्छी बात है, हमने दोनों में कर दिया। हाँ अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात। देखो सही क्वेश्चन है ये, सिंपल। वैसे आपको पता है कि भाई 60 सेकंड में 1 मिनट होते हैं, ठीक है? तो 360 सेकंड में कितने होंगे? अभी तो किया था थोड़ी देर पहले, 360 को 60 से डिवाइड कर दो, 6 कम 6, 6 छक्के 36, 6 मिनट होंगे। 360 सेकंड में 6 मिनट होंगे, ठीक? यस, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। आगे बढ़े मैम आगे दूसरा टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके का है बेटा, बिल्कुल इसी तरीके का है। आपसे क्या बोला है? बोला है 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं, और आपको हिंट भी दिया कि भाई 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 1200 मिनट में कितने घंटे होंगे? सेम इसी तरीके का प्रश्न है। लीजिए सभी बच्चे पोल में आंसर, और इस बार मुझे काफी बच्चों के आंसर्स दिखने चाहिए पोल में, क्योंकि सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है। बिल्कुल पहले जैसा है, बस वहां सेकंड थे या मिनट है, पर है वैसे। बढ़िया, क्लास से कोई बच्चा नहीं जाएगा बीच क्लास में, जैसा मैं बार बार आपसे बोलती हूँ। वेरी गुड, गुड गुड, काफी बच्चे सही कर रहे हैं आंसर। मैम चैट सेक्शन ऑन कर दो। बेटा अभी रुक जाओ प्लीज, अभी कर रही हूँ। मैंने वही बोला कि कुछ बच्चे जल्दी करते हैं, बट हमें बाकी बच्चों के साथ ही चलना पड़ेगा ना, तो सभी बच्चे करें। मैम अब हम बाकी समझे ये बच्चे, क्वेश्चन मैम थोड़ा समझा दो। बेटा सेम पहले जैसा है, आपको पता है 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 1200 मिनट में कितने? सेम वही है, डिवाइड का ही क्वेश्चन है, ठीक है? काम करे नहीं अभी रुक जाओ बेटा, अभी अभी थोड़ी देर रुक जाओ, 5-6 बच्चे और रह गए हैं पोल में करने के लिए। मैम जैसे है ना, हाँ रुक जाओ अभी।
मैम 20 से यस क्यों नहीं कर पाती? कीजिए बेटा, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बाकी बच्चे भी रह गए अभी। आपकी वजह से बेटा फिर मैं चैट सेक्शन ऑन नहीं कर पाती हूँ ना, जल्दी से करिए। आप लोग पोल में करेंगे तभी तो चैट सेक्शन ऑन होगा ना। आखिरी के 5 सेकंड्स और, 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। मैम समझाए। हाँ बताओ। मैम जैसे 60 मिनट में 1 घंटा होता है, और 1200 को 60 को 1200 से डिवाइड कर देंगे। 60 को 12 से या 1200 को 60 से? 1200 को 60 से डिवाइड कर देंगे। मैम 1200 को 60 से डिवाइड कर देंगे और फिर बीस आंसर 20 आएगा। आएगा, काट देंगे तो। मैम 20 0 से 0 कट। यस 0 0 गया। 6 6 12 शून्य जगह 20 घंटे। जैसे मैंने कहा कि सेम पहले जैसा क्वेश्चन था, उसमें सेकंड में पूछा था, यहाँ मैम पे सही 2 मिनट समझाया हाँ है। मिनट यस एकदम सही समझा है, वेरी गुड। आगे बढ़े, ये हमारा पूरा टॉपिक फिनिश हो चुका है हमारा, यस मैम। विभाजन का, डिवाइड का। अगला मैम टॉपिक शुरू हो रहा है संख्या रेखा, नंबर लाइन। ठीक है, संख्या रेखा और नंबर लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या कहा है, जब भी हम किसी भी रेखा पर जब हम पूर्णांकों को निरूपित करें, ऐसी रेखा, बेटा प्लीज माइक ऑफ करिए जिसका भी ऑन है, ऐसी रेखा जहाँ पे हम पूर्णांकों को दर्शाएं, मतलब इंटीजर्स को दर्शाने वाली जो रेखा होती है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइन है, वही हमारी संख्या रेखा है। इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक जिसमें शून्य आता है और धनात्मक संख्याएं आती है जो शून्य के दाई तरफ होती है। धनात्मक संख्याएं शून्य के दाई तरफ। क्या बेटा क्या हुआ? मैम इधर माइनस में आएंगे। क्यों आएंगे इधर माइनस में? नहीं, शून्य के दाईं तरफ तो हमेशा प्लस में आती है ना, माइनस में क्यों आएंगी? नहीं, माइनस में नहीं आती, लेफ्ट साइड में, बाईं तरफ माइनस में आती है बेटा, याद करो। मैम शून्य के बाईं तरफ की। यस ठीक है, इस तरफ आएंगी माइनस की संख्याएं। तो ये जो हमारी रेखा बनी, इसी को हम संख्या रेखा कहते हैं। दूसरी चीज, हमेशा संख्या रेखाओं के संख्याओं के बीच की जो दूरी होगी ना, बराबर होती है। जैसे शून्य से 1 की दूरी भी बराबर होगी, 1 से 2 की दूरी भी बराबर होगी, शून्य से -1 की भी दूरी बराबर होगी। अभी मेरे से बने नहीं है, पर हमेशा दूरी बराबर होती है। ठीक है, इस दूरी को नापते किसमें है, ये दूरी होते इकाई के बराबर, यूनिट डिस्टेंस, इकाई दूरी यूनिट डिस्टेंस के बराबर होती है। इतना क्लियर हुआ सभी को जितना मैंने अभी समझाया? यस मैम। यस मैम। ठीक, दूरी हमेशा बराबर रहेगी, इकाई में आएगी या यूनिट में आएगी। ठीक है, ओके। अब दूरी कभी भी माइनस में नहीं आएगी, दूरी हमेशा प्लस में आएगी, हम आगे और अच्छे से सीखेंगे, इतना याद रख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे बताओ बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी कितनी है, मतलब मैं यहाँ पे हूं, 1 में मुझे जाना है, 4 में, तो कितनी दूरी मुझे तय करनी पड़ेगी बेटा 1 से 4 में जाने के लिए? चैट सेक्शन में लिखेंगे सभी। 3 इंच मैम। बेटा माइक ऑन करके आंसर नहीं करना ना, चैट सेक्शन में लिखो, चैट तो ऑन है। गुड, सभी बच्चे 3 ही लिख रहे हैं, वेरी गुड। इंच में नहीं आती, पहली बात तो इंच नहीं बोलोगे आप। यहाँ से गए 1 से 2 पे जाएंगे, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4। तो एक यूनिट ये हो गई, मतलब एक इकाई ये हो गई, ये दूसरी इकाई, ये तीसरी इकाई,
तीन इकाई इसकी दूरी हो जाएगी, ठीक है, 3 यूनिट इसकी दूरी हो जाएगी। या दूसरा तरीका क्या है इसे हल करने का, जिन भी दो संख्याओं के बीच की दूरी पूछी है ना, बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो, बड़ी संख्या 4 है, छोटी संख्या 1 है, बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ, जिनके बीच की दूरी पूछी है उत्तर आ जाएगा, तब भी 3 ही आ रहा है। क्लियर हुआ? बड़ी में से छोटी संख्या घटा देंगे तो वही आंसर आना है फिर भी। क्लियर? माइक बिल्कुल ऑफ रहना चाहिए, बीच बीच में माइक ऑन हो रहा है किसी का। मैम क्वेश्चन करवा दो बेटा, भी रुक जाओ, करवा रही हूँ, इतनी भी जल्दी मत करो, अगला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। चलिए अब मैं आपसे पूछती हूँ, ये वाली दूरी बताना मुझे, ठीक है, 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 1 2, मुझे बताओ संख्या रेखा पर 2 और माइनस के 3 के बीच की दूरी, मतलब अभी मैं यहाँ हूँ, मुझे माइनस के 3 पे पहुँचना है, दूरी बताइए कितनी होगी। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे क्या आएगा 2 और माइनस 3 के बीच की दूरी। माइनस का 5 नहीं आना चाहिए क्या? माइनस का 5 आएगा, तब प्लस का 5 लिख रहे हो, माइनस का नहीं आएगा, माइनस की संख्याओं की तरफ जा रहे हैं। जो भी बच्चा माइनस 5 लिख रहा है ना, सब गलत लिख रहे हैं, मैंने तो बस ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको बोला था, दूरी कभी भी माइनस में नहीं आती। यस, कभी आप बोलते हो आप घर से स्कूल गए, मैं माइनस का 2 किलोमीटर चली या चला, दूरी कभी माइनस में नहीं आएगी, हमेशा प्लस में आएगी। मैंने तो ऐसे ही बोला था कि माइनस में आएगा, नहीं तो सभी बच्चों ने माइनस में लिख दिया, दूरी हमेशा 4 आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 आएगा, चाहे तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, 2 और माइनस 3 में से 2 बड़ा है ना। बेटा माइक बिल्कुल ऑफ रखिए, मैं बार बार बोलूँ, माइक ऑफ रखोगे तो समझ में आएगा, आवाज नहीं आएगी नहीं तो मेरी। देखो 2 और माइनस 3 के बीच की दूरी निकालनी है, 2 बड़ा है, मैंने क्या बोला, बड़ी से छोटी संख्या घटा दो तो दूरी आ जाती है, तो बड़ी संख्या 2 है, उनमें से घटा दो माइनस का 3। अभी अभी हम सीख के आए पहली क्लास में संख्याओं को घटा रहे कैसे, माइनस माइनस प्लस, 2 और 3 जुड़ेंगे तो 5 ही आएगा ना, वैसे भी 5 इकाई का आना था, ऐसे भी 5 आ रहा है और ऐसे नंबर लाइन से भी 5 ही आ रहा है, प्लस का 5। क्लियर हुआ सभी को? बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो तो आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर सभी को? क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, संख्या रेखा पर 2 और 7 के बीच की दूरी बतानी है आपने, सिंपल क्वेश्चन, 2 और 7 के बीच की दूरी, करिए पोल में आंसर, संख्या रेखा पर 2 और 7 के बीच की दूरी आपने बतानी है। मैम चैट सेक्शन बंद है। मैम हमने कर दिया आंसर। चलो पोल में, बेटा चैट सेक्शन तो बंद ही रहता है ना, चैट तो बंद ही रहता है, पहले पोल में करो उसके बाद चैट सेक्शन ऑन होगा। 2 और 7 के बीच की दूरी, थोड़ी देर में चैट सेक्शन ऑन हो जाएगा, पहले सभी बच्चे पोल में करेंगे। सेक्शन बंद है मैम, माइक ऑफ रखिए बेटा, माइक क्यों ऑन हो रहा है बीच में बार बार,
देखो इस क्वेश्चन का आंसर 21 बच्चों ने कर दिया है, और इससे पहले क्वेश्चन का आंसर 15-16 बच्चे कर रहे थे। तो मैं आपसे यही बोल रही हूँ कि हर क्वेश्चन का आंसर करो, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन इजी लग रहा है तो आप इजी क्वेश्चन का ही आंसर करेंगे। जितने क्वेश्चन आते हैं इजी हो या टफ, सभी का आंसर पोल में करना है, समझ गए? एक मेरे पास लिस्ट है कौन बच्चा कितने क्वेश्चन का आंसर करता है, कौन किसका नहीं करता है। लास्ट के 5 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स का समय। अभी मुझे यहाँ पे 23 बच्चे शो हो रहे हैं, अगले क्वेश्चन में भी मुझे 23 आंसर्स दिखने चाहिए पोल में। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करिए। बेटा कोई बोल रहा है बी ऑप्शन है, कोई बोल रहा है डी ऑप्शन है, कहां से आपको ये दो ऑप्शन लग रहे हैं? मैंने क्या बोला, जिन भी दो संख्याओं के बीच की दूरी निकालनी है, बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो। बड़ा संख्या 7 है, इसमें से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा ना। इसका मतलब दोनों संख्याओं के बीच की दूरी 5 है। अभी तो थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है। यस, अभी बेटा ठीक है, आपने अभी ज्वाइन किया है। तो जब भी हम संख्याओं के बीच की दूरी निकालते हैं ना, तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो। जिन भी दो संख्याओं के बीच की दूरी निकालना है, तो 2 और 7 के बीच की दूरी निकालना है तो 7 में से 2 घटाना होता है। इतना इजी क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन है, फिर भी गलत किया है आप बच्चों ने। बी और डी ऑप्शन कैसे होगा? कोई बात नहीं बेटा, मैंने मैसेज देख लिया था आपको। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ठीक है, सभी को क्लियर हो गया आप ये क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन, 7 में से 2 घटाना था और आपको दूरी पता चल जाती। आगे बढ़े, चलिए अब हम सीखते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है तो बिल्कुल ध्यान से देखो। अब आपको बताना है कि संख्या रेखा पर जो 7 है, 7 संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर, आप बताओ। 7 बताना है, 4 के किस तरफ आता है, 7 4 के किस तरफ आता है, येरा 7 येरा 4 किस तरफ आ रहा है, 7 4 के किस तरफ आ रहा है, दाईं तरफ आ रहा है या बाईं तरफ आ रहा है? 7 को देखना है 4 के हिसाब से। मैम बाईं ओर आ रहा है, देखते हैं माइक ऑन करके आंसर में। 7 पे ना बिल्कुल जो हिंदी लिखी है ना वो पढ़ो, 7 संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर आएगा, 4 के हिसाब से देखो ना। 4 के हिसाब से 7 कहाँ आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है या राइट साइड आ रहा है? यस, दाईं तरफ आएगा। क्यों आएगा, ये हमारी दाईं तरफ होती है राइट साइड, तो 4 से जब आप आगे बढ़ोगे तभी तो 7 आएगा, ये तो पूछा है। तो 4 के तो दाईं तरफ आ रहा है ना, राइट हैंड साइड, क्लियर हुआ? यस, लेफ्ट नहीं होगा बेटा, राइट साइड आ रहा है, दाईं तरफ आ रहा है ना, साफ देखो। 7 तो दाईं तरफ है 4 के, क्लियर? अभी और क्वेश्चंस करवाऊंगी। ऐसे ही और दे दो मैम, दोबारा क्वेश्चन समझा दो। हाँ दोबारा समझाती हूँ आपसे, सिंपल क्वेश्चन में बोला है। आप ये हिंदी पढ़ो, हिंदी में क्या लिखा है पढ़िए जरा, ये पढ़ो क्या लिखा है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा बेटा, क्लास लीव करके दोबारा से करो, इसको नहीं दिख रहा। आपसे साफ बोला है 7 संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर आया है बाईं ओर, तो 4 के किस तरफ आ रहा है, 4 ये रहा 7 ये रहा, तो 4 के तो दाईं तरफ ही आ रहा है ना बेटा। इस तरफ को जाओगे तो दाईं तरफ है,
इसलिए दाई तरफ आ रहा है। अभी मैं ऐसे काफी क्वेश्चंस करवाऊंगी, डोंट वरी। तो एक क्वेश्चन और देखो, आप मुझे बताना कि पांच चार के किस तरफ आएगा। ऑप्शन भी दे रही हूँ चैट सेक्शन में, करना लेफ्ट साइड या राइट साइड, बाई ओर या दाई ओर। चार की किस तरफ आता है पांच, कॉमा के बाद को देखना, चार का पूछा है, चार के लिए पूछा है, पहले चार को प्लॉट करो उसके बाद पांच बताओ कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड। गलत कर रहे हैं, जो भी लेफ्ट पे लिख रहे हो ना सभी लेफ्ट लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो। संख्या रेखा बनाई आप लोगों ने, संख्या रेखा बनाई, संख्या रेखा बनाए बनाए कैसे कर लोगे बिना बनाए, पहले संख्या रेखा हम समझाए। रुक जाओ बेटा, अभी अभी ना इसको मैं ही समझाती क्योंकि काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है। एक दो तीन चार पांच, अब क्वेश्चन में साफ लिखा है चार के किस तरफ आएगा कौन, पांच। यहाँ जो लिखा है ना उसके हिसाब से देखो, चार के किस तरफ आएगा कौन, पांच। तो पांच तो चार के दाई तरफ आ रहा है, पांच तो चार के बाई दाई तरफ आ रहा है, बाई किस की होगा फिर, राइट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड बेटा, राइट साइड, राइट सही है, दाई तरफ। पांच चार के दाई तरफ ही तो आता है, क्लियर। सभी को क्वेश्चन बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अभी तो सिंपल वाले हैं, मैं ना इसको थोड़ा सा और चेंज करती हूँ। अच्छा इसी को मैं ऐसे कर देती, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे कर देती कि चार पांच के किस तरफ आएगा, अब बताओ चार पांच के किस तरफ आएगा, उल्टा कर दिया मैंने। अब देखिए दोनों में अंतर देखो बेटा, पांच के किस तरफ आएगा चार, माइक ऑफ करिए जिसका माइक ऑन है, माइक ऑन नहीं होना चाहिए, इस चैट सेक्शन में आंसर। यस एकदम सही लिखा है, एकदम सही, इस बार ये बाई तरफ आएगा क्योंकि पांच के बाई तरफ ही तो चार आता है, लेफ्ट साइड। क्लियर हो गया, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बताओ, है कोई बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा है अभी भी, चलो मैम आ गया समझ में, अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और फिर हम पोल सेक्शन में करेंगे इसके बाद। संख्या रेखा पर माइनस तीन शून्य के किस तरफ आएगा, इस वाले को समझाऊंगी, पहले ट्राई करो। आपको क्या करना है ना, कॉमा के बाद वाला देखना है, कॉमा के बाद शून्य लिखा है ना, तो शून्य के हिसाब से देखो माइनस तीन किस तरफ आ रहा है, कॉमा के बाद जो संख्या लिखी है, कॉमा के बाद शून्य लिखा है, जीरो लिखा है, तो शून्य के किस तरफ आएगा माइनस तीन, कॉमा के बाद का ही हम देखते हैं हमेशा, ठीक है। शून्य के हिसाब से बताओ, जो कॉमा के बाद लिखा है उसको पढ़ो, शून्य के किस तरफ आएगा माइनस तीन, यस लेफ्ट साइड। चलो देखते हैं, इसका उत्तर है बाई तरफ, ठीक है। शून्य ये रहा, शून्य के जब मैं बाई तरफ को जा रही हूं तभी तो माइनस का तीन आ रहा है, लेफ्ट साइड। क्लियर हो गया, यस बाई तरफ। आप सभी को क्वेश्चन 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 इसी तरीके का क्वेश्चन पोल में कर लें। यस मैम, यस मैम, पोल में क्वेश्चन दे दो।
हाँ पोल में ही दे रही हूँ क्वेश्चन। बिल्कुल आराम से करना, गलत मत करना इस पर, काफी क्वेश्चन करवा दिए मैंने। संख्या रेखा पर दो सात के किस तरफ आएगा, दो सात के किस तरफ आएगा, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ रहा है कि सात के किस तरफ आएगा दो। संख्या रेखा बनाओ कॉपी में, उसके बाद सॉल्व करो। मैंने यही बोला, कॉमा के बाद वाली संख्या देखो, उसके हिसाब से बताओ पहले वाली संख्या उसके किस तरफ आ रही है। मैम नो बेटा, माइक ऑन करके आंसर नहीं करना ना, पोल सेक्शन में करिए। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में 23 बच्चों ने आंसर किया था, मुझे पोल में 23 आंसर्स चाहिए सभी बच्चों को, नहीं तो फिर मैं देखूंगी किस बच्चे ने नहीं किया है, ठीक है? सबका नाम आ जाता है मेरे पास। गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, सही कर रहे हैं। अभी काफी बच्चे रह चुके हैं जिन्होंने करा नहीं है। जी बहुत बढ़िया, गुड। दो बच्चे और रह गए, किसका आगे? दो बच्चे और रह गए, सेक्शन अभी कर रही हूँ बेटा चैट सेक्शन। चैट सेक्शन अभी ऑन कर रही हूँ बेटा। आखिरी के 5 सेकंड करिए, जिन बच्चों का नहीं रह हुआ है, गया। नहीं रह गया है, रह गया है। आखिरी के 5 सेकंड और, 5 4 3 2। आपके बच्चे चैट सेक्शन। मैम आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो। क्या बेटा, आपकी मैम आप आवाज बहुत नहीं आ अच्छा रही? एक्सप्लेन करते हो। आवाज नहीं आ मैम रही आप बेटा, बहुत चैट सेक्शन में लिखोगे क्या बोल रहे हो? मैम ये ऐसे कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन अच्छा करते हो। ओके, थैंक यू। चलो तो इसको भी हम संख्या रेखा पे कर लेते हैं। बना ली मैंने संख्या रेखा, पॉजिटिव नंबर ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने क्या बोला, कॉमा के बाद वाला संख्या देखो, 7 के किस और आएगा कौन? दो। तो ये रहा 7, तो 7 से मैं गई इस तरफ को ही जाना पड़ेगा, तो मैं तो जा रही हूँ बाई तरफ को, तभी तो 2 तक पहुंचूंगी। बी इसका सही उत्तर है, 7 से जब मैं बाई ओर जाऊंगी तभी तो बी तक पहुंचूंगी ना, 2 तक पहुंचूंगी तो लेफ्ट साइड में आएगा, बाई ओर आएगा। क्लियर हो गया सभी को? यस। वैसे काफी बच्चों ने सही यस किया था, मैम, यस चार मैम, यस बच्चों का मैम, गलत था ये, कोई मैम प्रॉब्लम नहीं है। जिनका गलत समझना है, जो गलत कर रहे हैं, तो पहले मुझसे पूछ लो। जब मैं समझाती हूँ ना, मैं आपसे बार बार ये बोलती हूँ, मैं पोल में आपसे पूछ के क्वेश्चन देती हूँ हमेशा, तभी मैं पोल में क्वेश्चन देती हूँ जब आप लोग बोलते हो कि हाँ दे दो। तो नहीं समझ में आ रहा तो तब भी आप बोलोगे ना मुझसे कि नहीं समझ में आया और समझा दो, तो आपको बोलना है मुझे हर बारी अगर नहीं समझ में आता, ठीक है? मैम और क्वेश्चन करवा दो। ठीक है, चलिए और भी आ रहे हैं अभी पोल सेक्शन में क्वेश्चन। उससे पहले आप ये समझो, आप सभी लोगों को ये चीज पता है ना कि शून्य के दाई तरफ, राइट हैंड साइड, हमेशा प्लस वाले पूर्णांक आते हैं, धनात्मक पूर्णांक, और शून्य के बाईं तरफ हमेशा माइनस वाले पूर्णांक आते हैं, जिनसे हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर। ये सभी को पता था ना, जीरो से ही तो कंपेयर करते हैं, जीरो के दाईं तरफ, राइट हैंड साइड, दाईं तरफ माइनस वाले, सभी को पता है, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन यही आएगा कि आपको संख्याओं को दर्शाना है संख्या रेखा पे। चलो करते हैं पोल में क्वेश्चन। संख्या
सभी कर लेंगे, मुझे पता है वाला क्वेश्चन इजी है मैम। क्वेश्चन कहता है कि माइनस का दो कौन सी संख्या रेखा दर्शा रहा है। चार संख्या रेखाएं बनी है आपके सामने, तो माइनस का दो कौन सी संख्या रेखा आपको पता लग रही है कि जिसने माइनस के दो को सही से दर्शाया है। क्या ये माइनस का दो है, क्या ये माइनस का दो है, क्या ये माइनस का दो है, क्या ये माइनस का दो है। चारों में से कौन माइनस का दो एकदम सही तरीके से बनाया हुआ है संख्या रेखा पे। आराम से संख्या रेखा देखो और बताओ। इजी क्वेश्चन है, कर लोगे आराम से। मैम हमारी एक्टिविटी में ना दो दो पोल सेक्शन आ रहे हैं। दो दो आ रहे हैं, एक मिनट में चेक कर लेती हूं। यस मैम, दो क्वेश्चन आ रहे हैं सेकंड में। अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे बेटा। देखिए यस यस आ रहे होंगे पर अब नहीं आएंगे। देखो हटा दिए, बोर्ड देखो सभी चैट सेक्शन में करना है क्वेश्चन को, अभी जितने भी करें। वेरी गुड, यस मैम चैट सेक्शन में करना है। नो बेटा, चैट सेक्शन में अभी थोड़ी देर में करोगे, पोल में करना है, पोल में। अभी फिलहाल पोल में करना है, थोड़ी देर में मैं चैट सेक्शन ऑन कर दूंगी, ठीक है, वेट कर लो थोड़ा। गुड, देखो कितने सही बच्चों, कितने सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब काफी बच्चे आंसर सही करते हैं। मैम क्वेश्चन नहीं आ रहा, पोल में क्वेश्चन नहीं आ रहा, स्क्रीन पे नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, आप स्क्रीन पे शो हो रहा है क्वेश्चन? नो मैम। तो मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू है, एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करना, हो जाए। मैम कर ली, एक और बार कर लो, एक और बार कर लीजिए। चलिए बाकी सभी बच्चे चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर। गुड, साफ पता चल रहा है मुझे आंसर देख के ही कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो बच्चे सभी चैट सेक्शन में लिख रहे हैं। बेटा अभी स्क्रीन आ गई? नो मैम। बेटा फिर नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई आपके साथ, तो आ जाती स्क्रीन। स्कैनर डेटा खत्म हो गया। हाँ तो यही रीजन हो सकता है, डेटा भी खत्म हो सकता है, क्योंकि एक दिन का तो लिमिटेड मिलता है ना। तो माइनस के दो को यही दर्शा रही है, ये रहा माइनस का दो, ये तो दो है, लेकिन मुझे तो माइनस का दो दर्शाना है, ये माइनस का एक दर्शा रही है, ये माइनस का तीन दर्शा रही, तो ये नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। ठीक, समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन? डेटा भी फिनिश हो सकता है बेटा। मैम डेटा खत्म हो गया, मिलता है ना डेटा। हाँ यही हुआ होगा। चलिए इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ लो। क्वेश्चन बोलता है कि आपको नीचे संख्या रेखा दिख रही होगी, है ना, संख्या रेखा बनी है, उसमें कुछ नंबर्स गायब है, आपको बताना है कि तीन किन दो नंबर्स के बीच में आता है, तीन जो है किन दो संख्याओं के बीच में आता है, तीन क्या जीरो और दो के बीच में आता है, या दो के चार के बीच में आता है, चार और सात के बीच में आता है, या पांच और सात के बीच में आता है, तीन किन दो संख्याओं के बीच में आता है। क्वेश्चन सिंपल सा ये कहता है, तो मेरे ख्याल से ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, पोल में करना है, डायरेक्ट हो जाए। यस बेटा कर दिया पोल में, ये जल्दी हो जाएगा बेटा, जल्दी हो जाएगा ये। गुड, तो सभी बच्चों का एकदम करेक्ट है ये वाला भी, अभी तक जितने भी किए हैं, तीन किन दो संख्याओं के बीच में आई, सिंपल है। हाँ सिंपल क्वेश्चन,
यस वेरी गुड। आखिरी के 5 सेकंड्स और बच्चे। मैम ऐसे क्वेश्चन हम है ना नर्सरी में करते, वो तो सही है बट इसीलिए तो याद दिलाया जाता है ना ताकि बेस मजबूत हो सके। हाँ ऐसे क्वेश्चन करते थे ना बीच में गायब संख्या कौन सी है। 5 4 3 2 1 तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए ना क्लास में, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस भी होने चाहिए। चलिए बाकी मैम मैम सेकंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यस यहाँ आएगा 3, 2 और 4 के बीच में, 3 ही तो आता है। बी इसका सही उत्तर, ठीक है। तो काफी बच्चों ने बी ही ऑप्शन पिक किया था। चलिए संख्या रेखा भी हमारी पूरी तरह फिनिश हो चुकी है। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है भिन्न, फ्रैक्शन का। आप सभी को ना यहाँ पे एक रोटी दिख रही होगी, फ्रैक्शन का थोड़ा सा ना बेसिक्स पढ़ेंगे बस 5 मिनट, उसके बाद अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो एक रोटी दिख रही होगी सभी को, अगर आपको इस रोटी को 2 भाइयों में बांटना है बराबर बराबर, ठीक है बराबर बांटना है, तो आप कैसे बांटोगे? गणित की भाषा में अगर किसी भी एक चीज को 2 बराबर बांट में बांटते हैं तो कैसे लिखते हैं, मतलब भिन्न के रूप में लिखना है कि 2 भाइयों में कैसे बराबर बराबर बांटोगे इसे। सभी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे, कैसे लिखोगे भिन्न के रूप में मैथ्स के टर्म में कि एक रोटी को 2 बराबर हिस्सों में कैसे बांटी जाएगी। गुड, आधा तो बोलेंगे, आधा तो हो गया बोलने के लिए, पर आधे को लिखोगे कैसे लिखने की टर्म में मार्क्स की टर्म में कैसे बोलेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अगर मैं इस रोटी को बीच में से आधा कर लू, या तो यहां से आधा कर लू या यहां से आधा कर लू, एक ही बात है, तो ये 2 हिस्से में टूट जाएगी और दोनों भाइयों को बराबर मिलेगी। अब ये 1/2 ही क्यों लिखा है, आपने कभी सोचा 1/2 क्यों लिखा? ये 2 क्या दर्शा रहा है और ये 1 क्या दर्शा रहा है, इसको हम समझ लेते हैं। आपने देखा पहले ये रोटी एक ही थी, एक ही रोटी थी, फिर मैंने ना इसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया, एक ये रहा एक ये रहा, टोटल 2 हिस्से हो गए रोटी के। अब 2 में से हर एक भाई को कितना हिस्सा मिल रहा है, एक हिस्सा ही तो मिल रहा है। एक भाई को 2 में से ये वाला हिस्सा मिलेगा और दूसरे भाई को इस 2 में से ये वाला हिस्सा मिलेगा, इसीलिए हम 1/2 लिखते हैं। 1/2 लिखने का भी प्रॉपर फॉर्मेट है, क्यों लिखा? Yes, जो नीचे वाली, अच्छी बात है, जो नीचे वाली संख्या है वो दर्शा रही है कि मैंने उसको कितने भागों में बांटा और ऊपर वाली कितने पार्ट आए, ठीक। क्लियर सभी को? यस बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है? मैं क्वेश्चन करवा दो। रुक जाओ बेटा, अगर इस रोटी को, चलो आपको क्या करना है, आप 2 जो भाई थे ना उनके एक एक दोस्त आ गए, अब वो 4 लोग हो गए। अब इसी एक रोटी को 4 लोगों में बराबर मात्रा में कैसे बांटोगे, फिर से लिख के दिखाओ। अब इसी रोटी को 4 बराबर मात्रा में करना है। क्वेश्चन करवाऊंगी, पहले फ्रैक्शन समझ लो बेटा, इतना इजी है नहीं जितना हमें लगता है। यस वेरी गुड, एकदम सही बोला कि अगर मैं इस रोटी को 4 भागों में बांट लूं, आधे का भी आधा कर दूं, तो हर पार्ट 1/4 दर्शा रहा है। एक रोटी को मैंने 4 भागों में बांट लिया, 1, 2, 3, 4, और हर 4 हिस्से में से सबको एक एक हिस्सा ही तो मिल रहा है, तो हर हिस्सा 1/4 ही हमें दर्शाएगा। हाँ रोटी के 4 हिस्से कर लिए। क्लियर हो गया सभी को इतना? मैम यस यस मैम। मतलब वस्तुओं को बांटना हमारा क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। क्या ऐसे बोलेंगे, जैसे हमारी डेली लाइफ में हम जाते हैं मार्केट तो आप बोलते हो आधा किलो सेब दे दो, या हम बोलते हैं 2/3 पानी है इसमें, या 1/4 रोटी है। तो हम डेली लाइफ में भिन्नों का इस्तेमाल तो हम करते ही है अनजाने में, ठीक है।
तो हम क्या बोलते हैं, अगर मैं किसी भी पूरी चीज का कुछ भाग ले लूं उसी को तो भिन्न कहूंगी। भिन्न होता है किसी भी पूरी चीज का, पूरी चीज का कुछ भाग। ठीक है, पूरी चीज भिन्न नहीं होती लेकिन पूरी चीज का कुछ हिस्सा हमारा भिन्न कहलाता है। ठीक है, जैसे वो रोटी थी वो तो अपने आप में पूर्ण थी एक, लेकिन जैसे ही मैंने उसको तोड़ा दो में तो मेरा क्या बन गया, वो मेरा भिन्न बन गया। ठीक है, 1/2 और 1/2। इतना क्लियर हुआ बेटा ये वाली डेफिनेशन यहाँ तक? क्या मैम? यस मैम। क्या क्या आपकी डेफिनेशन है? फिलहाल हम नहीं करते हैं क्योंकि टाइम अभी इतना है नहीं। अगली क्लास में हम भिन्नों की परिभाषा को और आगे तक देखेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं होमवर्क दे रही हूँ तो कोई बच्चा भी जाएगा नहीं क्लास से, होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। संख्या रेखा करनी है आपने होमवर्क में, जो कि है प्रश्नावली 12.1, 12.2। ठीक है, 12.1, 12.2 संख्या रेखा वाली और 13.1। ठीक है, 12.1, 12.2 एंड 13.1। अच्छी बात है, और इसके आगे का अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है।